हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज के शो में आप सभी को व्हाट्सएप की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो ट्रिक आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाएगी। अगर दोस्तों आप अपने फोन में व्हाट्सएप का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप अपने सभी फ्रेंड के साथ चैटिंग करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आज के शो में आप सभी को जिस ट्रिक के बारे में बताऊंगा वो ट्रिक आपको काफी ज्यादा पसंद तो आ ही जाएगी। साथ ही में दोस्तों, इस ट्रिक के बारे में अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो ऐसे में दोस्तों, जब इस ट्रिक को आप व्हाट्सएप में यूज करेंगे तो जो भी आपके फ्रेंड आपके व्हाट्सएप को देखेंगे तो दोस्तों आपसे जरूर से वो पूछने लगेंगे कि भाई आपने अपने फोन में कौन सी ऐप को डाउनलोड किया है, कौन सी सेटिंग किया है, कौन से ट्रिक को यूज किया है, इसके बारे में हमें भी बता दीजिए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी ट्रिक है, किस तरीके से इसे व्हाट्सएप में यूज किया जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो सबसे पहले लाइक के बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उनको लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको घंटी का आइकन नजर आएगा तो इसे अभी आप दबा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि हमारे चैनल पर इस तरह की जितनी भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर आप सभी को जाना नीचे और नीचे जाने को दोस्तों यहां पर आप सभी को कमेंट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप सभी को लिख देना है कलर, ठीक है? तो यहां पर आप कलर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी को व्हाट्सएप लिख देना है, तो यहां पर मैं भी व्हाट्सएप लिख देता हूं। उसके बाद दोस्तों आप सभी को इसे सेंड कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप इसे सेंड करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप को दूसरों से हटके बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही दोस्तों मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप है ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही दोस्तों मैं मैसेज टाइप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो व्हाट्सएप का कीबोर्ड है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के कीबोर्ड के अंदर आप सभी को कलरफुल पानी नजर आ रहा होगा जिसे दोस्तों मैं पूरे व्हाट्सएप में यूज कर सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इसे यूज करने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। और इस कीबोर्ड को दोस्तों केवल आप व्हाट्सएप में ही यूज कर सकते हैं, यानी किसी दूसरी एप्लीकेशन में इस कीबोर्ड को यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये जो कीबोर्ड है वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो कीबोर्ड है वो व्हाट्सएप में काम तो कर रहा है, लेकिन जैसे दोस्तों यहां पर मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूं तो ये जो कीबोर्ड है वो प्ले स्टोर में वर्क नहीं करेगा। ये जो कीबोर्ड है दोस्तों वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही वर्क करता है। जब दोस्तों आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तभी दोस्तों ये जो कीबोर्ड है वर्क करेगा। और जो भी दोस्तों आपके कीबोर्ड को देखेगा, आपके व्हाट्सएप को देखेगा, वो आपसे जरूर से पूछने लगेगा कि भाई आपने अपने फोन में कौन सी सेटिंग की है, इसके बारे में हमें भी बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप में इस तरह का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को कुछ नहीं करना, आप सभी को अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को आप सभी को अपने फोन में ओपन कर लेना है, जहां पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करवाएगी, तो इन परमिशनों को आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन नजर आएगा 3D इफेक्ट का, ठीक है? तो आप सभी को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने काफी कलरफुल पानी आ जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको जो भी कलर पसंद हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे पिंक कलर पसंद है तो यहां पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आप काफी सारे टॉय भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला टॉय ऐड कर सकते हैं या फिर ये वाला ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो भी टॉय पसंद हो सिंपली आप उसे ऐड कर लीजिएगा। तो यहां पर मैंने ये वाला चूज कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इस कीबोर्ड को दोस्तों आप अपने डिफॉल्ट कीबोर्ड के तौर पर सेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब भी आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो यहां पर दोस्तों ये जो कीबोर्ड है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।